हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। क्या जरूरत थी आपको ये सारे प्लान सेव करने की? आपने प्लान सेव नहीं किए होते तो हम पर ये मुसीबत नहीं आती। अनीता, मुझे माफ कर दो। I'm very sorry. माफी तो हमें अपनी बेटी से मांगनी पड़ेगी। हमारी वजह से उसे तकलीफ उठानी पड़ी। मैं पूछती हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? वो जहाँ भी है महफूज है। मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ अभी। फिलहाल तुम आए अभी शिवराज से बात करने के लिए आया हूँ। शिवराज, मुझे यकीन है प्लान MV1 की पूरी तैयारी कर चुके होगे तुम। और हाँ, रॉबरी के वक्त मेरे आदमी तुम्हारे साथ रहेंगे। प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे तुम्हारे आदमियों की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट? छुरा तुमने मेरी पीठ पर भोंका और तुम ट्रस्ट की बात कर रहे हो? अरे ट्रस्ट तो मुझे तुम पर नहीं है। मैं तुम्हारे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। इस प्लान को एग्जीक्यूट करना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए मुझे अपना आदमी चाहिए। तुम मेरे आदमियों को नहीं जानते। अरे जो तुम्हारी बेटी को किडनैप कर सकते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तुम्हारे आदमी एक बच्ची को जरूर किडनैप कर सकते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकते। तुम समझते क्यों नहीं? ये एक बहुत ही खतरनाक काम है और इस काम के लिए मुझे अपना वफादार मंदार चाहिए। Excuse me, please. हेलो, मंधार में शिवराज बोल रहा हूँ। अरे शिवराज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इतने सालों के बाद मेरी याद आ ही गई। बात क्या है? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। अरे मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर हूँ। अगर एक दोस्त दोस्त की परेशानी में काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? वैसे एक बात बोलूं शिवराज, तुम्ही ने मुझे भुला दिया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है मंदार, मैंने तुम्हें कब भुला दिया? अगर भुला दिया होता तो फिर आज फोन क्यों करता? एक तुम ही तो हो जो आज मेरे काम आ सकते हो। बिल्कुल सही पहचाना मेरे दोस्त, जान पर खेल कर भी तुम्हारे काम आऊंगा। बोलो बात क्या है? मैं फोन पर तुम्हें बात नहीं बता सकता हूँ। अगर तुम मुझे कल ग्रीन क्लब पर मिलोगे तब मैं तुम्हें पूरी बात समझा दूंगा। ठीक है, जरूर आऊंगा मेरे दोस्त, जरूर आऊंगा। थैंक यू मंदार।